जब 1 साल 2 साल बीता हमारा, फिर क्या ख्याल में आया हमें, तो जिस इंसान को हमने टीवी पे जिंदगी भर देखा है वो इंसान सामने खड़ा था। हम लोग तो साथ थे, 2-3 साल तो यूज्ड टू हो गए थे, लेकिन वसीम भाई जो एक लेजेंड है आदमी, जो टीवी में देखा था कि कितना डेंजर बॉल डालता है, ऐसा स्किल है, ये है वो है, सारी चीजें इंक्लूड करने के बाद जब बंदा सामने खड़ा है तो मुझसे 2-4 दिन तो मैं बात ही नहीं किया, बात करूँ तो करूँ क्या और पूछूँ तो क्या पूछूँ, थोड़ा बहुत झिझक होती है, बेझिझक मतलब बहुत झिझक ज्यादा होती है यार। कि इनसे हाँ मतलब पूछूं कि नहीं पूछूं। मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। तो बाद में वसीम भाई ने मुझसे पूछा, बोले देख घबरा मत, जो पूछना है बिंदास पूछना और सोचने की जरूरत नहीं है कुछ ज्यादा। तो धीरे धीरे बात करना शुरू किया मैंने, लेकिन जब मैंने उनको जाना और जब उन्होंने मुझे स्किल बताने शुरू किए कि ऐसे होता था हमारे टाइम पे वैसे होता था, क्योंकि वो मुझे खोलना चाहते, अंदर से ओपन करना चाहते थे कि बंदा बिल्कुल फ्री माइंड हो जाए और फिर मैं इससे बात हाँ करूं। तो मुझे सबसे अच्छी आदत तो उनकी वो लगी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी रीड कर लिया कि ये किस सिचुएशन में फंसा हुआ है। स्किल से ज्यादा तो आदमी को पहचानना होता है कि आदमी कितना फंसा हुआ है सामने से। सही बात है। और हमेशा वो हमारे साथ एज अ बिग ब्रदर के हिसाब से वो रहे थे खाना पूरे पीना, पूरे। बात हाँ करने का तरीका, कभी लगा नहीं कि उतने बड़े प्लेयर से हम लोग, इतने प्लेयर मतलब बड़े प्लेयर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं या फिर हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं इतना। 2 महीने बीते, 3 साल थे हम लोग, मैं आप तो शायद ज्यादा थे, मैं 3 साल था उधर, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जब मैं ओपन हुआ उनसे, बात करने का तरीका समझ में आया कि हाँ स्किल के बारे में ऐसे जानना है, तो भी फिर मैंने उसको खोदना शुरू कर दिया कि हाँ अब मैं हर चीज को खोद के निकालूंगा इनसे बहुत और अच्छा काम सारी किया था। बहुत अच्छा काम किया था। ये चीज सभी लोग नहीं करते हैं। हम लोग आईपीएल में तो इतना वही समय मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस या आपसे ज्यादा खेला हुआ बंदा आपको अगर मिलता है, तो आप ना शर्माएं, आप बेझिझक बात करें, आप जो जानना चाहते हैं उस चीज को जान कर छोड़ें, तब आप स्किल इम्प्रूव कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। और जहीर भाई के लिए कुछ बताया, जहीर भाई तेरे को कितना मदद किए हैं जहीर जहीर भाई भाई? काफी टाइम, देखो हम ज्यादा लंबा तो साथ नहीं खेले लेकिन काफी टाइम खेले हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज भी थे, न्यूजीलैंड भी थे, तो वो ज्यादा लंबा टाइम नहीं खेले, लेकिन लेकिन जितना भी खेले हैं बात करने के तरीके से पता चलता है कि बंदा क्या चाहता है, क्या स्किल को इम्प्रूव कराना चाहता है, उनके अंदर क्या है। अगर कोई चीज़ देखते हैं कि हाँ जैसे हम लोग नेक्स्ट में 60 डाल रहे हैं, तो 2-3 तरीके की बॉल ले लेते हैं, 2-3 टाइप की कि ये कंडीशन की बॉल है, ये है कि चलो अब ये डालेंगे थोड़ी देर, अब ऐसा डालेंगे, वो बहुत अच्छा लगता था उनके साथ। और दिल्ली में भी उनके साथ मतलब IPL में था, तो जो उनके बात करने का तरीका, जो समझाने का तरीका बहुत सिंपल है और बहुत सीधे तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना क्रिकेट खेला है कि सारी कंडीशंस देखी हैं, सारी सिचुएशन में बॉलिंग डाली है, सारी सिचुएशन जितनी भी हैं उनके सर से ऊपर से निकल गई हैं। तो मैं केवल एक ही चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप नई बॉल का इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या सोच के मन में जाते हैं, और जब आप पुराना बॉल डालते हैं तो आपके मन में और माइंडसेट क्या रहता है, मैं ये जानना बहुत ज़रूरी समझता हूँ हर किसी के लिए कि आप एज ए बॉलर, आपके दिमाग में नई बॉल और पुरानी बॉल का प्लान हमेशा होना चाहिए। सही तो बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मुझे जो बॉलर्स मिले, जो सीनियर बॉलर मिले, वो क्लास वाले थे सारे। और जाहिर भाई तो बहुत ठंडे दिमाग के इंसान है और बहुत मस्त आदमी है। जितने भी प्लेयर्स आज के टाइम पे खेल रहे हैं और जितने भी पहले से खेले हुए हैं, सभी जाहिर भाई के लिए कहते हैं कि बहुत मस्त बंदा है। मस्त यार, मतलब मस्त बंदा। वन ऑफ द बेस्ट सीनियर प्लेयर यू कैन कम अक्रॉस। बिहेवियर ऐसा है और उनका कि जूनियर सीनियर का कोई हिसाब नहीं है, एकदम हाँ बिंदास रहते हैं, आप जिससे बात करनी है एकदम खुली बात करते हैं।